वो कहाँ से मिली है? इस केस की जो तहकीकात कर रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद इकबाल, जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप रिपोर्टर लोग भी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं सर। पिछले कुछ दिनों से लोग डर के साए में जी रहे हैं और उनके साथ अन्याय भी हो रहा है। इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ है, इसके बावजूद भी आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, इस केस की तहकीकात मोहम्मद इकबाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। राज्य के लोग जो डर के साए में जी रहे हैं, सब कुछ पुलिस के हाथों पे छोड़ करके सारे दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हादसे को काबू करने के बजाय सब आपस में लड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी आप अपने परिवार से मिलने करो। मेरे पत्रकार भाइयों, जरा रास्ता भी तो छोड़ो। मंत्री जी की बीवी को यहाँ डिलीवरी के लिए एडमिट किया गया है। इस तरह की बातें करने के लिए हम बाद में समय निकाल कर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आपको। अभी आप लोग जाइए जाइए। सर आप चलिए। सर आपने कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों मेरी बात सुनो, तुम किस चैनल की वजह से मुझे उकसा रहे हो? हाँ, कुछ दिनों में तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। मैं भी एक इंसान हूँ, साथ में पति हूँ, वही फर्ज निभाने आया हूँ। शादी के 10 साल बाद आज मेरा एक बच्चा होने वाला है। इस समय पति और बाप का फर्ज निभाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो अपने परिवार को चला सकता है वही इंसान देश को चला सकता है। सर आप भी मंत्री बनने से पहले एक आम आदमी ही थे। घर परिवार के साथ आप देश की भी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी मेरे लिए सब सवाल करना बहुत जरूरी है। एक इंसान का फर्ज वहाँ से शुरू होता है जहाँ से उसका परिवार, माँ बाप बहन भाई बीबी बच्चे और उन सभी लोगों के लिए एक वक्त का खाना, थोड़े से प्यार, जरूरत पड़ने पर दवा, ये सब जो देता है वही एक जिम्मेदार इंसान होता है। उसके बिना मंच पे भाषण देना बस एक नाटक ही होता है। हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, जो भी केस मोहम्मद इकबाल ने लिया है उसे पूरा किए बगैर कभी नहीं छोड़ता है। आप लोगों के लिए कोई नई खबर नहीं है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम हारेंगे नहीं। आप कोऑपरेट कीजिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अभी की स्थिति में आतंकवादियों पर रोक लगाने के लिए और लोगों के दिलों से डर निकालने के लिए आपने क्या किया है? सुनो, हमारा ये देश भगवान का देश है, गॉड्स ओन कंट्री। इसलिए यहाँ पर पहला सवाल जो होता है उसका जवाब देने के लिए अरे खुद साक्षात भगवान आते हैं। आज की ताजा खबर, मुंबई में तीव्रता से बढ़ते हुए आतंक को रोकने के लिए इस केस को स्पेशल ऑफिसर मोहम्मद इकबाल को सौंपा गया है। गृह मंत्री अपनी बीबी की डिलीवरी के लिए अलाइट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपने परिवार से मिलने गए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही कि मोहम्मद इकबाल इस केस के नए ऑफिसर होंगे जो हर हाल में इस केस को सॉल्व करके रहेंगे, ऐसा मंत्री जी का मानना है। कहाँ जा रहे हो पापा को लेकर? डॉक्टर अंकल से मिलने जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? बताओ ना अच्छू। बताओ ना, कोई सरप्राइज है? नहीं बेटी, ये डॉक्टर अंकल को एक तोहफा देना चाहते हैं, है ना? ये देखो ड्राइंग भी है। ये डॉक्टर अंकल के लिए है। जरा मुझे भी दिखाओ ना। सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, गाना भी लिखा है। ऐसी बात है क्या? गाओ ना, जरा गाकर सुनाओ, मुझे भी तो सुनना है। बाद में सुनाऊंगी। थैंक्स दीदी। ठीक है। Thank you.
क्या हो डॉक्टर? कुछ नहीं, दर्द कम करने के लिए स्ट्रिप दे रहा हूँ। सिस्टर जरा बाल गोपाल सर को बुलाओ ना। ठीक है सर। तुम डॉक्टर अंकल से मिलना? डॉक्टर अंकल अभी बिजी हैं। बेटी हम रूम पर चलते हैं, डॉक्टर अंकल वहीं आ जाएंगे। कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए। तुम चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। इसको डॉक्टर अंकल को एक तोहफा देना है, इसका सरप्राइज गिफ्ट है। लाओ मुझे दो, मैं दे दूंगी। नहीं। चलो बेटी हम चलते हैं। चलो। ये लड़की कौन अरे है? आप नहीं जानते, ये हमारे सर की बेटी है। वो कॉलेज में प्रोफेसर थे। 4 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। अपनी फैमिली को खो चुके हैं। अच्छा। ये इनकी बेटी है अच्छू। अच्छू। उस हादसे में बस ये दो लोग ही बच पाए। साहब चल नहीं पाते हैं, पर उनकी बेटी एकदम ठीक ठाक है। अपने पिता को संभालना, खाना खिलाना, दवा पिलाना सब अच्छू ही करती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो? एक इंसान इतना दर्द से तड़प रहा है और आप उसकी पल्स चेक कर रहे हो? उन्हें उठाओ जल्दी और लेबर रूम में ले जाओ। सर ये एक मंत्री की बीवी है। डॉक्टर ये तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा, लेकिन हम लोगों के लिए पहली बार है। आप समझ गए ना? आप जरा डॉक्टर बाल गोपाल सर को बुलाइए ना। अरे किसी को तो बुलाने दो, इलाज तो शुरू करो। आप पहले बाल गोपाल जी को बुलाइए। डॉक्टर बाल गोपाल को बुलाने में कोई फायदा नहीं, जब उनका काम खत्म हो जाएगा वो सामने से फोन करेंगे। आप लोग डरिए मत। अरे काम खत्म हो जाएगा तब वो फोन करेंगे, डॉक्टर है या भगवान। आप एक बार कोशिश तो कीजिए,